गोद है ऐसी, प्रकृति की गोद है ऐसी जहां आनंद मिलता है, विकसित हो रहे तरुवर यही उत्साह भरता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि ये जो पीछे सामने दिख रहा है कारपेट म्यूजियम, यहाँ पे हमने ब्लॉग खत्म किया था। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ से सिटी का व्यू दिखेगा। प्यार बनाए रखिए, बस सब्सक्राइब करते रहिए और मैं चलता रहूँगा, मेरी साइकिल का पहिया चलता रहेगा, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो अब हम ट्रेन से आ गए हैं, उसमें हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जो मेन पॉइंट है इसका सिटी व्यू है, पैनोरमिक व्यू जिसको बोलते हैं, वहाँ जाना है। इस ट्रेन से में बैठ के फिर जाएंगे। ये जो सामने आपको दिखाई है अभी, ये जो कौन है इनके कुछ समझ नहीं आ रहा यार कौन है रसियन में लिखा हुआ है, नहीं तो पढ़ के बता देता, पर जो भी है अच्छी बात है। इधर जो दिख रही है बड़ी बिल्डिंग है फ्लेम टावर, और इधर पीछे ये मेमोरियल है इनका, बार मेमोरियल, साथ में मस्जिद है और शहीदों को नमन के लिए एक अमर ज्योति, उस टाइप की एक ज्योति जल रही है, तो वो भी दिखा दूँ आपको। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और हिल टॉप पे हैं। ठंड नीचे से भी ज़्यादा है, अभी 5 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था मेरा फ़ोन, तो आप समझ सकते हो मेरी कितनी लगी हुई है। खैर चलेगा, मज़ा आएगा। बाकी तो क्या कहूँ यार, अभी मैं परफेक्ट हो रहा हूँ इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। दो मॉडल दिखाता हूँ यार आपको। वेडिंग फोटोशूट हो तो वेडिंग फोटोशूट के अलग ही मजे होते हैं भाई, तो मैं ये वेडिंग फोटोशूट दिखाने के लिए ही तो आपको इतनी देर से मैं कैमरा जूम करे खड़ा हूँ। फोटोग्राफर पूरे मजे ले रहे हैं एक फोटो लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं टॉप ऑफ द बाकू, यहाँ से ऊपर जाने में सांस फूल गया, नीचे से ऊपर आने में, तो दिखाता हूँ यार क्या है। ये जो एट प्रेजेंट जो जगह है, ये बाकू की टॉप जगह है, इससे हाइट पे सिर्फ और सिर्फ वो पीछे जो दिख रहे हैं वो फ्लेम टावर्स हैं, और यहाँ से पूरा बाकू का व्यू बड़ा प्यारा और मस्त दिख रहा है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको पूरा एक चक्री मरवा दूँ, चक्री चक्री से तो आप समझ गए होंगे। तो ये एक राउंड लेते हैं और आपको पूरा बाकू का एरियल व्यू दिखाते हैं पूरा। तो हम परिंदा उड़ाते हैं और परिंदा उड़ा के आपको दिखाएंगे कि क्या है। तो लेट्स हिल, इन्होंने गैस से वो जला रखा है इन द मेमोरी ऑफ देयर फ्रीडम फाइटर्स, तो बहुत अच्छा तरीके से, और ये कंटिन्यूसली जलती रहती है। मेरे लिए अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ऊपर तो 5 डिग्री टेम्परेचर है, इसके आग के पास खड़ा होकर सेकने का बड़ा मज़ा आ रहा है तो मज़ा ले रहा हूँ भाई। अभी हम चलने का और थोड़ा थोड़ा चल के मज़े लेने का, अभी अभी पीछे देखने का भाई, लोटस टेम्पल देखने का ना, तो उसको देखो भाई। और
मजे लो। ठंड में मेरे को तो आ नहीं रहे, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है, हाथ देखना लाल लाल। वो है ऑस्ट्रेलिया की कॉपी, ये गोल्डन आई की कॉपी कर रही है, तो दोनों मस्त मस्त सा बनाने की कोशिश की है। और उधर वो जो स्टेडियम दिख रहा है कोई, और ये इनका मेमोरियल है, उसके पीछे कुछ और है, कुछ और क्या है मुझे भी नहीं पता। और ये मैं हूँ, देखते रहो, बने रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, और ऐसे चलते रहेंगे और ये व्यू दिखाते रहेंगे। निज़ामी स्ट्रीट के अंदर हम घूम रहे हैं। निज़ामी स्ट्रीट के बारे में बता दूं कि ये जो बाकू सिटी की मेन स्ट्रीट जो बोलते हैं, जिसको सेम लाइक अ वॉकिंग स्ट्रीट, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे शोरूम है यहाँ पे, तो सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। नेशनल म्यूजियम के सामने खड़े हैं, ये जो पीछे दिख रहा है नेशनल म्यूजियम है, और यहाँ एक सिनेमा है, और इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमारा जाने का कोई तुक नहीं बनता। और बच्चे खेल रहे हैं, और वीकेंड है आज, एक्चुअली सैटरडे है। यहाँ अरब कंट्रीज़ की तरह, मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड नहीं होता, सैटरडे संडे को ही वीकेंड होता है। यूरोपियन कल्चर ये लोग अपना। राइट नाउ हम जो सिटी सेंटर है, ओल्ड सिटी जिसको यहाँ का बोलते हैं, उसके सामने खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे 20-25 पॉइंट है इस ओल्ड सिटी में, जो पुरानी यूरोपियन स्टाइल से जो है। एंड अभी जो पीछे दिख रही है, ये जुम्मा मार्केट है, और जुम्मा मॉस्क है, और इधर तीन मॉस्क और है ना, तीन मॉस्क है ना भाई टोटल, हमाम अली मॉस्क ये, और एक और मॉस्क है, तीसरी मॉस्क का मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार। किसी भी टूर ऑपरेटर से के जाजसे में मत आएँ, वो आपसे 50 मन्नत ले लेगा, और ज़्यादा सा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वो कान में स्पीकर लगाने के लिए दे देगा। बाकी हिस्ट्री के अगर आप ज़्यादा ही शौकीन है, तो किसी इंग्लिश जो भी होता है यार, क्या बोलते हो यार तुम, घूम रहे हैं वो सिटी, ओल्ड सिटी जो है बाकू की, उसके अंदर घूम रहा हूँ भाई। और जगह जगह ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं मेरे, जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही होगी, ये स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है, तो पुरानी सिटी में ही इन्होंने एम्बेसी बना रखी है सारी। और रोड भी अभी देखिएगा, एओजे रोड है अल्ले। अब पुराना गेट सी थे, गेट तो लाता इन्होंने। अमेजिंग कल्चर यार, और रशियन टच बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, यूरोपियन और रशियन का हाइब्रिड सा जो एरिया होता है ना, और कुछ अरबियन का, तीनों कल्चर को मिला के ना। और ये डिलो साहब हाथ ही लाते रहते हैं,